आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल। सबसे तेज सबसे आगे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने मकानों पर की छापेमारी। एक मकान में पशुओं की खाल व अन्य अवशेष मौके से बरामद। वीएचपी और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने थाना पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस के अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुटे। कोतवाली बागपत क्षेत्र के कुरेशियान मोहल्ले का मामला। पुलिस पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष सुनील चौहान का आरोप है कि पुलिस को जो नाम हमारे द्वारा दिए गए थे वो नाम काट दिए हैं और जो दूसरे लोगों को जेल भेज दिया गया है। कई जगहों पर अवशेष मिल चुके हैं मगर पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इस तरह की लापरवाही कार्रवाई से विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि इस मामले की निस्तारण किया जाए। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय का इस मामले में कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कस्बा बागपत में कुछ पशुओं के अवशेष मिले हैं। मौके पर पुलिस जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बागपत से ब्यूरो चीफ ताजिम राणा की खास रिपोर्ट। तो वहाँ से चमड़ा ला सकता है, जो व्यापारी 450 रुपए कटान की रसीद है, वो तो प्रमाणित है। वो क्या हो गया अधिकारी मौके पर गए, उन्होंने जाकर देखा है तो संभवतः यहाँ पे कुछ जानवरों के खाल वगैरह पड़े हुए थे, कुछ अवशेष भी पड़े हुए थे, लेकिन सभी के सभी काफ़ी पुराना देखने से काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महीनों पहले इस तरह की चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि कटान वगैरह की जा रही होगी। हम लोग इसकी जानकारी कर रहे हैं, आसपास से पूछताछ की गई है, मामले की छानबीन कर रहे हैं और कोई भी अगर अवैध तरीके से कुछ भी किसी भी चीज़ का संचालन हो रहा होगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, 4-5 मकानों मिले और हिंदू संगठन का आरोप है कि हमने कई बार पुलिस को शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, लगभग 2.5-3 महीने से तो हम लोग यहाँ पे हैं, अब तक किसी ने इस तरह की शिकायत नहीं करी थी। आज ही इन लोगों ने फ़ोन कर किया था तो इमीडिएटली पुलिस ने इस पर एक्शन शुरू कर दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि संभवतः ये बहुत पहले यहाँ पे इस तरह के कुछ काम हो रहे होंगे, कटान वगैरह हो रहा होगा, लेकिन अभी वर्तमान में ये एक सेंट्रो कार पकड़ी गई थी, एक भग गई थी जो यहाँ से मीट अवैध कटान होकर हरियाणा जा रहा था सोनीपत, उसमें हमने पकड़े दो और उनमें से एक दिखाया गया, एक भग गया और जिसके नाम हमने लिखवाए उनके नाम काट दिए गए, उनके नाम कहीं भी रिपोर्ट में है नहीं। यहाँ क्या मामला है? यहाँ ये मामला है, यहाँ हमने ये देखी कि यहाँ पे चील वील उड़ रही है, शायद गाय कट रही है यहाँ पे, और हम यहाँ कम से कम 2 घंटे से खड़े हैं। 2 घंटे हो गए ऐसी दोपहरी में, जो हम ऐसी धूप में खड़े। पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने कह लगी पहले एड्रेस दो, नाम दो किसके घेर में है। हम क्यों नाम दे, हम तुम्हें जगह पे लेके चल रहे हैं। हमने सिद्धि ये कही, कोई नहीं आया। कम से कम पुलिस भी 8.5 घंटे बाद आई है यहाँ पे और मैं यहाँ अपने मित्र के साथ, अपने संगठन के साथ यहाँ खड़ा था और यहाँ से अब ये चले गए, अब भी 1 घंटा हो गया ऐसे गए और, क्योंकि हम डॉक्टर को और पूरी फोर्स